हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके वीवो Y91 मॉडल में अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आती है, स्लो साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें कम्प्लीट आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। बिल्कुल जम्पर सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। दोस्तों, मैं आपको सीधा एक चीज़ नहीं बताऊँगा कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जम्पर कर दो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नहीं दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। यदि आपके अगर उसमें किसी भी अगर तरीके से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी भी मोबाइल में, हर मोबाइल में अलग अलग जगह से प्रॉब्लम आती है। अगर दोस्तों कोई बताता है कि यहां तक जंपर कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लो साउंड की, दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है उनके मोबाइल में वहां पर प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके मोबाइल में यहां पर प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर इसके वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना, ताकि हमें भी इसी तरह के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये हम मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके वीवो Y91 मॉडल का स्पीकर का कंप्लीट ट्रैक आपको समझाया है कि इसमें किस तरीके से इसका ट्रैक हमारी ऑडियो आईसी तक जाता है, हमारी ऑडियो आईसी इसमें किस तरीके से काम करती है, उनके लिए कौन सा वोल्टेज का होना जरूरी है, तब हमारी ऑडियो आईसी वर्क करती है, अगर हमारी इस लाइन में कौन सा फॉल्ट होता है तो हम उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, कंप्लीट मैंने आपको बताया है। दोस्तों, यहां पर अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके वेस पर थोड़ा फोकस डाल देते हैं ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारे स्पीकर की यहाँ पर प्लस वाली सप्लाई आती है, इस पर माइनस वाली आती है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, थोड़ा सा फोकस डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद दोस्तों, हमारे कनेक्टर के नीचे से दूसरे और तीसरे नंबर पर पॉजिटिव वाली लाइन आती है, ऊपर दूसरे और तीसरे नंबर पर माइनस वाली लाइन आती है, इसी तरीके से हमारे इस वाले कनेक्टर में जाती है, उसके बाद हमारे ऑडियो आईसी में आ जाती है। ये हमारी इसकी ऑडियो आईसी है, इस ऑडियो आईसी में इन कैपेसिटर और इन कॉइल से होते हुए हमारी इस ऑडियो आईसी में चली जाती है, और इस ऑडियो आईसी को वर्क करने के लिए जो वीपीएच पावर आता है हमारी पावर आईसी से, वो आपको इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों, हमारे इसमें स्पीकर का वेज होता है, ट्रैक होता है। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपके वीवो Y91 मॉडल में अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आती है, आपका स्पीकर तो चल रहा है लेकिन उसमें अगर आवाज़ धीरे आती है, आपने इसके स्पीकर को भी चेंज कर लिया, सबसे पहले आपको दोस्तों यही करना है, आपको स्पीकर चेंज करके देखना है। अगर स्पीकर चेंज करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है और आप दोस्तों इसको चेंज नहीं करना चाहते, उसके बाद भी चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, उसको जानने से पहले हम इसके लो साउंड के सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको सीधा और सीधा आपका बिना टाइम वेस्ट के सॉल्यूशन बताता हूं। दोस्तों, इसमें आता है, यहां पर ये देख सकते हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हैं और यहां पर ये दो रजिस्टर लगे हैं, ये लाइन वन और लाइन टू के रजिस्टर और कैपेसिटर हैं। इनमें आता है हमारे ऑडियो आईसी का वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, जो हमारी ऑडियो आईसी को आवाज़ को तेज करने के लिए जो वोल्टेज आता है, बूस्ट वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, वो बूस्ट वोल्टेज हमारी पावर आईसी से इन दोनों कैपेसिटर में और रजिस्टर में आता है। उनकी सप्लाई किस तरीके से होती है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे इसमें लाइन वन का जो इसकी बूस्ट वोल्टेज आता है, वो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले इसमें यहाँ पर पावर आईसी होती है, इन पावर आईसी से यहाँ की दोनों सप्लाई आती हैं, वो सप्लाई आती है यहाँ पर। दोस्तों, अगर मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी मोबाइल में इन दोनों कैपेसिटर और रजिस्टर से एक, किसी भी एक को आप हटाकर देख सकते हैं, अगर आपके लो साउंड की प्रॉब्लम ना आए तो मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, इस वाले कैपेसिटर के अंदर ये वोल्टेज आता है, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर में जाते हैं, उसके बाद ये कैपेसिटर सीरीज के अंदर होता है, सीरीज के अंदर होता है, फिर इस पॉइंट से आउटपुट निकलता है, उसके बाद इस रजिस्टर में जाता है, इस रजिस्टर से आउटपुट निकलता है और उसके बाद हमारे साउंड आईसी में जाता है। यहाँ से हमारे इस आईसी में, यहाँ पर आप जंपर नहीं कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका यहाँ पर इस शील्ड को हटाते टाइम कई बार क्या होता है, मैकेनिक यहाँ से अगर काम करते हैं चार्जिंग सेक्शन पर, तो यहाँ पर इसके शील्ड को निकालते समय यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर अगर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो फिर आपके इसमें स्लो साउंड की प्रॉब्लम आती है।
इसलिए आपको यहाँ पर इसका वेज का मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद जो इसकी लाइन टू का वोल्टेज होता है, जो बूस्ट वोल्टेज हमारी पावर आईसी के अंदर आता है, यहाँ पर दोनों तरफ वोल्टेज आना ज़रूरी है। अगर दोनों लाइन में अगर एक भी लाइन अगर मिसिंग होती है तो आपका यहाँ पर स्पीकर स्लो, बिल्कुल बहुत ही स्लो काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद इस कैपेसिटर में आती है, उसके बाद इस कैपेसिटर के बाद इस ऊपर जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर में आती है, उसके बाद इस रजिस्टर से सीधा हमारी साउंड आईसी में चली जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर इन कैपेसिटर आपका अगर निकल जाता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर लगता है आपके 47 से लेकर 100 यूको फेराड तक यहाँ पर रजिस्टर कैपेसिटर लगता है, और वो कैपेसिटर होना चाहिए आपका 6 से 7 वोल्टेज तक। अगर दोस्तों यहाँ पर आप जंपर करते हैं तो आपकी स्पीकर की आवाज़ हल्की सी बढ़ तो जाएगी, लेकिन उसके साथ खट खट की आवाज़ साफ मतलब स्पीकर क्लियर नहीं बजेगा। इसमें आपको मतलब एक्स्ट्रा वॉइस यहाँ पर आएगी, जिससे आपका स्पीकर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इन दोनों लाइन से यहाँ पर हमें लो साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप GR चेक कर लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, बैटरी को निकालना है और मल्टीमीटर की बीप रेंज पर सेट करना है, और बीप रेंज पर सेट करने के बाद इसकी रेड प्रोब को आपको ग्राउंड पर रख देना है, और ब्लैक प्रोब से आपको यहाँ पर एक इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर आपको यहाँ पर रीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं मिलती तो फिर वो हमारी पावर आईसी का प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे वीवो Y91 में आप लो साउंड की प्रॉब्लम 100% सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों किसी भी बोर्ड से उठाकर भी आप लगा सकते हैं, सेम यहाँ से उठाकर। ठीक है, अगर कोई खराब बोर्ड पड़ा हो तो इस तरीके से दोस्तों मैं आप 100% दोस्तों यहाँ पर यही सॉल्यूशन है। अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर।